अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मूंग दाल मसाला खिचड़ी बनाएंगे, जिसके लिए हम दाल ले लिए एक कटोरी, मूंग दाल है ये, और चावल ले लिए जो रोज़मर्रा हम घर में बनाते हैं, एक कटोरी चावल ले लिए हम। टमाटर ले लिए एक बड़ा वाला, इसको चॉप करके रख लिए। एक प्याज लिए, इसको भी हम काट के रख लिए। बटाने लिए 4 चमचे। गाजर ले लिए, इसको भी चॉप करके 4 चमचे ले लिए हम। हरी मिर्ची पेस्ट लिए 1 चमचा। करी पत्ता लिए थोड़ा सा। मसालों में हम नमक लिए 2 चमचे, मिर्ची लिए 1 चमचा, धनिया पाउडर लिए आधा चमचा, ज़ीरा पाउडर लिए आधा चमचा, कसूरी मेथी लिए आधा चमचा, और गरम मसाला थोड़ा सा लिए हम आधा चमचा, हल्दी लिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे। अभी सर्दियाँ चालू हो गए, अभी हम सर्दियों के लिए जो मसाला खिचड़ी बना रहे हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगी। आप लोग भी देखिए और बनाइए सेम ऐसे ही, बहुत टेस्टी बनती है। हम ये दोनों को एक जगह करके धो के रख लेंगे इसको अच्छे से। अभी हम स्टार्ट करेंगे। कुकर में हम तेल डाल लिए, देखिए 4 चमचे तेल डाल लिए हम कुकर में। अभी हम ये जीरा राय इसमें डाल लेंगे, इसको चटकने देंगे। लाल मिर्ची भी डाल लेंगे एक। अभी हमारा जीरा लाल हो गया। प्याज डाल लेंगे हम इसमें, ग्रीन बटाने ये भी डाल लेंगे, इसको फ्राई करेंगे हम। जो हम चॉप करके गाजर रखे ये भी डाल लेंगे। ये सारे सब्जी को हम फ्राई करेंगे। इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए। अभी हम इसमें ये हींग है, थोड़ा सा हींग डाल लेंगे। ये टमाटर डाल लेंगे जो चॉप करके रखे। ये हरी मिर्ची पेस्ट और ये सारे मसाले भी हम डाल लेंगे अच्छे से। इसको पका लेंगे। अदरक लहसुन भी डाल लेंगे हम 1 से 2 चमचे। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको सारे सब्जियों को। भूनते हुए हम फ्राई करेंगे इसको। अभी हमारा मसाला अच्छे से रेडी है, तैयार है। अभी हम इसमें ये चावल डाल लेंगे जो दाल के साथ हम रखे। और हम माप के पानी डालेंगे। एक हो गया ये हमारा, एक कटोरी डाल दिए हम, ये 2 कटोरी हो गए, 3, 4। 2 कटोरी चावल को 4 कटोरी पानी होना है, वो हिसाब से हम डालेंगे। नमक कम ज़्यादा हम देख लेंगे। अभी हम इसको 3 सीटी तक पकाएंगे। तीन सीटी हो गए, मीडियम आंच पे पकाए हम। अभी देख लेंगे हमारी खिचड़ी का क्या हाल है। माशाल्लाह देखिए पानी बराबर हो गया, हमारी खिचड़ी तैयार है। अभी बहुत अच्छी बनी है हमारी खिचड़ी, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है। अभी हम डिश आउट करेंगे फिर तड़का बनाएंगे। हम तड़का पैन रख लिए, इसमें घी डालेंगे हम, घी का तड़का देंगे हम इसमें। 2 चमचे हम घी डाल लिए। जीरा डालेंगे थोड़ा सा, लाल मिर्ची डालेंगे, हमारा जीरा लाल हो गया। ये हम लहसुन डालेंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। क्रैश करे हुआ है लहसुन हमारा, अच्छे से हम उसको
चॉप कर लिए, अभी इसको पकने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे। अभी हम तड़का भी डाल देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है हमारी मसाला खिचड़ी, आप लोग भी बनाइए फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनों में कमेंट्स कीजिए। जज़ाकअल्लाह।